Hello everyone and welcome back to my channel. This is Gunjan and you're watching Simply Enchantress. I know मेरी काफी गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है. There have been like three four people who were like, you know, you have a channel that is on YouTube. Okay, I was like कि हाँ मुझे पता है, but they were like कि बहुत time होगा नहीं post किया ना. It felt like कि हाँ गलती है मेरी and मुझे literally कोई reason नहीं दूंगी मैं, क्योंकि कोई justify नहीं कर पाएगा सिवाय इस चीज reason के कि बहुत सी चीज़ें हुई इन द पास्ट टाइम और मैं लिटरली फोकस नहीं कर पा रही थी किसी और चीज़ पे. तो मेरे को ये था कि आई हैव टू मेक यूट्यूब वीडियो, बट एट सर्टेन पॉइंट वो चीज़ हो जाएगी, उसके बाद आई विल कंटिन्यू मेकिंग एंड दैट थिंग हैपन. वो क्या है मैं आगे की वीडियोज में बताऊंगी, बिकॉज आज वीडियो का जो हमारा मोटिव है वो है माई बेस्ट फ्रेंड्स रोका. और कौन सी बेस्ट फ्रेंड का आज रोका है वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा, बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर, वहाँ से यू विल गेट दी अपडेट. वैसे बहुत से लोगों को पता होगा और अब तक पता भी चल जाएगा जब तक ये वीडियो आएगा, बट फॉर नाउ आई कैन ओनली प्रोमिस कि मैं ट्राई करूँगी दिल से अपलोड करना, बनाना वीडियो, बिकॉज इवन मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ एंड अपलोड करती हूँ. वो अलग बात है कि रिस्पॉन्स नहीं आता, दैट्स अनदर थिंग. बट ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड होप यू गाइस विल एंजॉय दिस, बिकॉज सारे बहुत अच्छे मोमेंट्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आ गई हूँ विद्या के. विद्या का रोका नहीं है. किसका रोका है आज? आयुषी का. एंड वी आर आई थिंक हम लोग ज्यादा एक्साइटेड है उसके. मतलब हम बराबर के एक्साइटमेंट में, जितनी वो एक्साइटेड है ना उतने ही हम एक्साइटेड है. तो अभी प्लान क्या है ये बताओ मुझे. हम रेडी हुए हैं अभी, हम रेडी होंगे और हमको दो केक उठाने हैं, एक तो एंगेजमेंट का एंड दूसरा है, दूसरा किसका था, हाँ दूसरा द गाय जिसके साथ उसका होने वाला है अखिल, उसका भी बर्थडे आज. तो हम दो केक उठाने वाले हैं, फिर वहाँ से हम वेन्यू जाएंगे, फिर वहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे आयशी का एंड देन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा. आई थिंक 3 बजे का टाइम है ना. हाँ 3 बजे का टाइम है. एंड या तो हम लोग तैयार होते हुए थोड़ा सा ब्लॉग कर लेंगे, बाकी इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट इवेंट और जो भी मेमोरीज हम इकट्ठी करेंगे. सो या यह तो कुछ बोलना चाह रही थी. अरे ऑल्सो आगे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड कुछ होने वाला है जिसमें हम दोनों भी साथ. हमें कैसे बताओ, मेरे को बताओ क्या होने वाला है. तो पागल भूल गई क्या? हाँ बहुत कम थे, मतलब ऐसे समझ ले तो पूरे लॉट का, हाँ हाफ तो कह सकती है, हाफ कपड़े आ गए थे तो उसमें से भी मैं बहुत कुछ छोड़ रही हूँ, पर जो खरीदा है पूरे टाइम 1-2 साल. और तेरे पिलोज और वो सब है वो नहीं, वो तो वही खरीदूंगी, वही लेगी ना कुछ नया A to Z क्रॉप. मेरे को पिलोज खरीदने और साथ में चलेंगे. फिर आइडिया चल रही है जब उसके 5-6 दिन बाद अपन को कहीं और निकलना है तो फिर वहाँ कैसे होगा. अपन को उससे पहले ये समझ ले कि जितनी भी शॉपिंग जाने की है ना वो भी करनी पड़ेगी. जाने की क्या शॉपिंग करनी पड़ेगी? ठंड होगी दिसंबर में. एक तुम्हारा माथा ठीक नहीं है, तुम गाँव में भी नहीं रहे हो, सब की ही रहना, मतलब ज्यादा महंगे को मतलब नहीं, वहीं पे काम आएगी. या तो मैं बनवा भी सकती हूँ, बट गाइज दिस ईयर वी विल बी डूइंग सम क्रेजी स्टफ दिस ईयर. मतलब अभी तो खत्म ही नहीं होने वाला है. आई नो कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी हम लोग की, अमेजिंग ट्रिप से पुष्कर की जिसमें काफी मजा किया, पर धीरे धीरे आते हुए बहुत सी चीजें हुई लाइफ में. मैं नहीं बताना चाहूंगी इसके बारे में क्योंकि बहुत कुछ हुआ था. एक चीज भी नहीं, बहुत 4 महीने में इतना कुछ हो गया. 4 महीने भी नहीं, मतलब वो चलता रहा, वो उस चीज का एक ग्रीफ ही चलता रहा बहुत टाइम तक. और फिर सोचा कि पता नहीं बनाए, दिमाग में आया भी नहीं, आया था बीच में, फिर मैं सोचा नहीं यार मैं नहीं अभी फोकस कर सकती यूट्यूब पे. तो जो लोगों ने भी मुझे बोला था ना कि यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है क्या और ब्लॉग, अरे तुम्हारे चैनल है एक तो आई विल ट्राई टू कम बैक. और अब इसको मैं ऐसा पैशन करना चाहूंगी, मतलब ऐसा है कि बनाते रहो, जो बनाती रहूंगी अब, मैं ज्यादा सोचूंगी नहीं बनाने से पहले. बेसिकली समझ आता मूंछ के बाल तो फिर भी. अरे बाप रे, तो बहुत ही शार्प है.
थोड़ा फोल्ड करके। यार यार क्या बकवास हो रहा है, दिख भी रहा है क्या इसमें पैर के? मुझे मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, सफेद हो गया मेरे पास। तो हम ही आते थे, मैं आते टाइम पे ही आती ना, फिर बड़ा केक है। और कैब में मतलब बड़ा केक समझ रहे ना आप, हमारी दोस्त नहीं रहे। और फिर लेट मी अप्लाई सम लिप बाम, हम लोग को नेटिव लग रहा है क्या, हम क्या करेंगे? कपड़े हम पहन लेंगे फटाफट, नहीं तो हमको इतना करना है, तो फिर हम करेंगे क्या? फोटो खींच लेंगे ना यार, मेरे को भी चल जाएगा अपना। हाँ वैसे तो सही टाइम है, कहने लगते हैं ये फालतू सा, फालतू सा क्या समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा यूज़ करूँ। तो मेरे को भी नहीं पता होता कि कैसे लगाते हैं, एक बार मैं बता, क्योंकि मैं लगाती हूँ। फिर बोलते लोग कि अपना स्किन टोन मैच कर दिया उसे, अपना फाउंडेशन, मैं तो फाउंडेशन लगाती हूँ नहीं, मैं पहले से सुंदर हूँ। क्या हम लोग वो तो थोड़ा सा, हम लोग दोनों ऐसे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं, मतलब हाँ किसी को हो सकती है वो ओवर कर दी, बट आई डोंट नो कि क्या है, बट हाँ दिस इज हाउ माय ड्रेस लुक्स। मैं पहनने मुझे पता चलेगा, ये कलर थोड़ा सा अजीब है, बट आई नो यू लाइक इट। ठीक है गाइस, वी आर रेडी एंड विद्या, हाँ हमें पता है हम लोग लग रहे हैं सुंदर क्या कर सकते हैं, अब हम है सुंदर मुझे मतलब बिहाइंड द कैमरा लोग ऐसे बोल रहे हैं, अरे आना ये यार। निकल रहे हैं, 3 बज चुके हैं, हमारा प्लान था 2 बजे जाने का यहाँ से, एंड या वी आर लीविंग, एंड दिस इज, अगर आप जानते हो इसको तो ये वही क्रिएचर है कर रहे हैं, और हम वेट कर रहे हैं कि आपका टू गो एंड गो चाहे हम रेडी नहीं हूँ, हम ऐसे मुंह उठा के चल जाए, बट केक वॉज रियली इम्पोर्टेंट। अब हम पहुंच के करते थोड़ा उसी का इंतजार है डेस्परेटली, सो या अरजीत से मिलने हैं, इज लुकिंग गुड, सो वी आर चेकिंग द क्वालिटी, एक्चुअली चेकिंग द क्वालिटी राइट नाउ, और काफी मजा आ रहा है जो पहले वाला था ना, और अभी एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द पॉइंट वी आर प्रूविंग राइट नाउ। Yeah!
भी बोल दे। अरे जिसको आता है वो करो ना। कैसे बनाएगी? She's getting emotional. I'm getting emotional. My dost hai mujhe chhod ke ja rahi. Are abhi bahut time hai, abhi to kuch final engagement ho rahi hai uski. You wanna come and vlog? Hi, hello. She is a best friend as well. Matlab wo uski best friend hai. Dono team se hai. She's like from Jeju side tak rahi. Ye dono ke saath hai. Haan kuch bol rahi thi na? Haan main bilkul bol rahi. कॉफी चौथी है हम लोग कॉफी पी रहे हैं, मैम चाय पी रही है स्पेशल डिमांड पे। मैम चेहरा दिखा दो अपना, आपका सुंदर चेहरा, सुंदर चेहरा। शी इज एंगेज्ड नाउ, एंगेज्ड भी बोल सकते हैं। ओके सो फाइनली हमको मौका मिल गया है 1-to-1 वीडियो बनाने का। अब कुछ तो बोल रहे हैं, क्या बोलूं बच्चा, कैसा फील हो रहा है? लंबा चौड़ा स्पीच, कैसा? मैं स्पीचलेस, पहले डर लग रहा था, अब कैसा लग रहा? बहुत डर लगा, अब फिर भी ठीक है। आई फील की तो बहुत ज्यादा खुश है। क्या बहुत ज्यादा खुश लग रही? खुश तो हूँ, बहुत हो गए। सो जो केक हम लाए थे वो फाइनली कट रहा है। किसका कट रहा मतलब? हम लोगों ने अभी तक कुछ लंच नहीं, डिनर लंच हम लोगों ने लंच भी नहीं किया, हमने बिल्कुल हल्का हल्का खाया। मेरी वीडियो मर रही है, मत करने यार, कितनी अच्छी लग रही है देख। अब बस सर दर्द कर रहा है, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। डिनर नहीं खाया, वी आर वेटिंग फॉर आयुषी। अरे कहाँ कहाँ तुम लोग को ले रही हूँ, कुछ तो बोल रहा। कौन कोई दिख गया, कोई मिला? हम लोग किसी पे लाइन भी नहीं मार सकते हैं। कुछ तो बोल, कुछ तो। हाँ आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हमारी सहेली रो रो मत यार तुम इतने। अच्छा एक्चुअली बात ये है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। और हम लोगों ने ढंग से लंच भी नहीं किया, हम लोग डिनर वेट कर रहे हैं, वो हमारा पेशेंस। पता है 100 रुपए का नोट है ये, 100 रुपए देखे तुमने? ओके गाइस, सो माई फोन डाइड लास्ट नाइट एंड आई वॉज एट विद्याज हाउस। तो मैं वहाँ पे रह रही थी, मतलब वहाँ पे मैं रुक गई थी थोड़े टाइम के लिए। एंड अभी आई थिंक एन आवर अगो ओनली आई केम बैक एट 10:30 और आई फॉरगॉट टू लाइक शूट दिस पार्ट द आउटरो। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट। हम लोग को तो काफ़ी मजा आया और जो भी मैं शूट कर सकती थी मैंने मैक्सिमम शूट करने की कोशिश करी, जो कि मेरी आदत छूट गई थी बिल्कुल ही। सो या आई विल ट्राई टू कम बैक, मतलब ट्राई किया ऑब्वियसली, आगे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। सो या बी रेडी एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।